हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सोबक्स डिजिटल लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में सोबक्स में कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, कैसे हम हमारा आईडी एक्टिवेशन कर पाएंगे, इस वीडियो के जरिए बताएंगे। वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। सोबक्स में ज्वाइन करने के लिए दोस्तों एक रेफरल लिंक थ्रू ही ज्वाइन कर पाएंगे। आपको किसी दोस्त ने अगर रेफरल लिंक दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करने पर ऐसे एक प्लेटफॉर्म ओपन होता है। इसी प्लेटफॉर्म डिजिटल लाइब्रेरी का एक लैंडिंग पेज है। आपको प्रमोशन के तौर पर ये लैंडिंग पेज यूज कर सकता है। इसमें काफी डिटेल्स दिया गया है। गेट मेंबरशिप का कोई भी लिंक में आप क्लिक करने पर आपको रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। मैं अभी लाइव दिखा देता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है। दोस्तों, इंडिया का पहला बिजनेस प्लान है एफिलिएट मार्केटिंग में 85% प्रॉफिट मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। डायरेक्ट अफिलिएट कमीशन का तौर पर 40% अफिलिएट कमीशन है और 45% पैसिव इनकम नौ लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोस्तों, इंडिया में कोई भी कंपनी ऐसे प्लान लेकर के अभी तक नहीं आया है। ये मैं चैलेंज करता हूं दोस्तों, इसी बिजनेस करके आप लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है। सोबक्स डिजिटल लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेने के लिए 1180 रुपए का जरूरत है। आप इसी में रेफर एंड एन प्रोग्राम आपका जरिए जितना भी लोग ज्वाइन होने पर आपको मिलता है 400 रुपीज हर रेफरल पर मिलेंगे। दोस्तों, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। ये बिजनेस आप आसानी से कर सकता है। आप घर बैठे एक स्मार्टफोन आपके पास होने से आप आसानी से ये बिजनेस कर सकता है और घर में बैठ करके आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है। दोस्तों, एक अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये लैंडिंग पेज ऐसे ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको गेट मेंबरशिप का जगह में क्लिक करना है। क्लिक करने पर एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यूर स्पॉन्सर आईडी दिखाई देंगे। आपको जिसने ये लिंक भेजा है उनका नाम, उनका यूजर नेम इसके सामने दिखाई देंगे। इसके बाद आपको इसमें फिल करने का है। बहुत सिंपल है, नाम फिल करना है। आपको अपना एक यूजर नेम क्रिएट करना है। यूजर नेम क्रिएट करने पर आप ध्यान रखना है, कोई स्पेस ही नहीं देना चाहिए। 4 से लेकर 12 लेटर का बीच में आप कोई भी यूजर नेम आप बना सकता है। कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज मत करना, अल्फा न्यूमेरिकल नंबर से आप इसको यूजर नेम बना सकता है। इसके बाद आपको इधर एंट्री करना है आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी। जब मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे तब ईमेल आईडी का ये प्लेटफॉर्म ओपन होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। उसी सेम पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में टाइप करना है। इधर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। एक कैलेंडर खुल जाएंगे। इसी जगह में आपका स्टेट, जो भी स्टेट है, मेंशन करना है। आपका जो सिटी है इसी जगह में मेंशन करना है। आपका लैंग्वेज इधर टाइप करना होगा। ये है, ड्रॉप डाउन में ओपन हो जाएगा। इधर आपको आपका जेंडर मेल फीमेल है, इसमें सेलेक्ट करना है। और इसमें है जो भी है, आगे का सारे फील्ड फिल हो जाएंगे, तब आपका ये आंसर फिल करने का जगह ओपन हो जाएगा। इधर जो दिया गया है नंबर है, इसको ऐड करके आंसर इधर देना है। उसके बाद आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करना है, रजिस्टर करना है। आपका मोबाइल में और आपका ईमेल में एक ओटीपी आएंगे। ओटीपी टाइप करने का एक जगह इधर ओपन हो जाएगा। मैं ये सारे फील्ड फिल करने के बाद कैसे ओटीपी आता है वो बताएंगे। उसके बाद कैसे पेमेंट करके आपका आईडी एक्टिवेशन करना है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आप देखिएगा प्लीज। दोस्तों, मैंने रजिस्ट्रेशन पेज में सारे फील्ड फिल कर दिया है। इधर नाम लिख दिया, मैंने एक यूजर नेम बनाया है, मोबाइल नंबर टाइप कर दिया, ईमेल टाइप कर दिया है, पासवर्ड दोनों जगह में टाइप कर दिया, डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर दिया, स्टेट सेलेक्ट कर दिया, सिटी सेलेक्ट कर दिया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया, मेल फीमेल है ये भी लिख दिया। उसके बाद मैंने इधर का आंसर लिखा है 3+6 9 है। मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बताया और पासवर्ड मैच हो गया है। मेरा यूजर नेम अवेलेबल है करके इधर दिखाई देता है। अगर आपने जो टाइप करता है यूजर नेम, अगर पहले किसी ने यूज कर लिया है तो ऑलरेडी ये यूज दे करके दिखाएंगे, तब आपने आपका मर्जी का एक यूजर नेम बनाना होगा। इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने पर आपको मोबाइल और ईमेल में एक ओटीपी आएंगे। ओटीपी टाइप करके आगे बढ़ सकता है। मैं अभी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करूंगा। एक ओटीपी सेंड किया करके मैसेज आया है। दोस्तों, मेरा ईमेल में एक ओटीपी आया है। ओटीपी मैंने इधर से नोट करके 5442
OTP आया है। इधर OTP टाइप करने के जगह में ये टाइप करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन बटन में दोबारा प्रेस करना है। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का एक मैसेज आया है। प्रोसीड योर पेमेंट फॉर मेंबरशिप। मेंबरशिप के लिए आपको 1180 रुपया पेड करना होगा। ये ऑनलाइन पेमेंट है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए 1180 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना है, इसलिए पे नाउ में क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर रिजर्व पे का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएंगे। इसमें आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। इसमें नेट बैंकिंग भी है, क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, UPI आईडी के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकता है। आप अलग अलग प्रकार का जो पेमेंट सिस्टम है आप यूज कर सकता है। इधर से नेट बैंकिंग का अगर सेलेक्ट करने पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इधर से आपको अलग अलग बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी है, कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर सकता है। SBI में मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पे 1180 में मैंने क्लिक करूंगा। उसके बाद SBI का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएंगे। उसमें पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद आगे कैसे बढ़ता है, मैंने अभी 1180 रुपया पे करने के लिए इसमें क्लिक कर दिया। यह है, मेरे को डाइवर्ट कर देता है SBI का ऑनलाइन नेट बैंकिंग। इसी नेट बैंकिंग में मैं पेमेंट करके आपको दिखा देंगे कैसे है, उसके बाद एक्शन कैसे होता है। दोस्तों ये नेट बैंकिंग का प्लेटफॉर्म ओपन हो गया है। अपना जो क्रेडेंशियल टाइप करके आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकता है। मैंने लॉगिन कर दिया है। 1180 पेमेंट करने के लिए मैं इधर कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद दोबारा भी एक कंफर्मेशन SBI पूछता है, उसमें भी मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद मेरा मोबाइल में एक OTP आएगा, क्योंकि मेरा नेट बैंकिंग जिस नंबर से कनेक्टेड है। मेरा मोबाइल में आया OTP, मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद इधर कंफर्म कर देता हूँ। मैंने कंफर्म कर दिया है, मेरा पेमेंट है सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद ऑटोमेटिकली शोभा इसका पेज में डाइवर्ट कर देगा। थैंक यू फॉर योर पेमेंट। आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आ जाएगा आपका पेमेंट मिल गया करके। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपको कंपनी से अप्रूवल आ जाएंगे। अप्रूवल आने पर आपको ईमेल के जरिए मिल जाएगा। आप ओपन करके वहां पर लॉगिन करने का लिंक वहां पर भी आप दिखाई देंगे आपको, उसी में आप लॉगिन कर सकता है। बहुत इजी है। इसके बाद कैसे रेफर करना है, उसी लिंक भी कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया होगा, एक आईडी मैंने ओपन करता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक्टिव एक आईडी ओपन कर दिया है। अब भी मोबाइल में अगर देखेंगे तो इसी का ये सेम प्लेटफॉर्म आप दिखाई देंगे, लेकिन मोबाइल व्यू में आएगा। इसमें आपको रेफरल लिंक कॉपी करने के लिए सबसे पहले ये रेफरल लिंक है। ये रेफरल लिंक के जरिए आप जितना लोगों को भी रेफर कर सकता है, जितना लोग आपका टीम में ज्वाइन हो जाता है, हर लोगों से आपको इनकम आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इंडिया में पहली बार है 85% कंपनी का प्रॉफिट लोगों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी आपको डायरेक्ट कमीशन हर वीक में पेमेंट होंगे और आपका पैसिव इनकम हर महीना एंड में क्लोज करके आपका बैंक में डायरेक्ट भेजा जाएगा। इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म आपका सामने है दोस्तों। आप जितना मर्जी भी पैसा कमा सकता है अनलिमिटेड रेफर लगा करके। डायरेक्ट कमीशन और पैसिव इनकम लाखों करोड़ों रुपया घर बैठे कमा सकता है 1180 रुपए का मेंबरशिप लेने पर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।